पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर की मूलभूत आवश्यकताओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर की मूलभूत आवश्यकताओं के समाधान के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने अलवर न्यूज़ को बताया कि शहर की मूलभूत आवश्यकताएं अस्त व्यस्त हो चुकी हैं, जिनको लेकर 7 बिंदुओं पर जिला कलेक्टर को उनके निवारण के लिए ज्ञापन दिया गया है। शहर में पानी की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर जलदाय विभाग बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। आए दिन शहर के लोग कभी जलदाय विभाग तो कभी प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिल रहा है। इसके अलावा शहर की अधिकतर रोड लाइट और हाई मास्क लाइट खराब है। नगर परिषद और नगर विकास न्यास की ओर से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। शहर में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है, शहर में पानी की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। अभी कितने से दिन में 2.5 वर्ष मात्र हुआ है जब हमने 282 से अधिक बोर लगा के शहर की पानी की व्यवस्था को दुरुस्त किया था। उनमें से या तो बोर खराब हो गए हैं या उनकी मोटरें खराब हो गई है, तो पानी सूख गया है, मोटरें खराब हो गई, उनको बदल के, और दूसरा वितरण व्यवस्था जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। लोगों ने उसको अपने तरीके से कर लिया। उस सब व्यवस्था को ठीक करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इसके अलावा शहर के नाले भरे हुए हैं, शहर की सारी रोड लाइट और हाई मास्क लाइट सब बंद हो गई हैं। हाई मास्क लाइट बंद होना शहर में इस बात का प्रमाण पत्र है कि प्रशासन बिल्कुल एकदम, चाहे UIT हो या नगर परिषद हो, जिनकी भी वो हैं, वो सब बिल्कुल एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं। 32,000 लाइट, 14,000 लाइट थी पहले मेरे विधायक बनने से 5 वर्ष तक पहले टेन्योर में, उनको मैंने 32,000 करवा के सबको LED लाइट लगवाई थी। आज उनमें 25,000 से अधिक रोड लाइट बंद है, ऐसा मुझे मेरा मानना है, जबकि हमने रोड लाइट का वायर डलवा के वो लाइट लगवाई है, वो बंद है। शहर के सारे नाले भरे हुए हैं। आज अगर बरसात आ जाती है अच्छी सी, तो सारे शहर में जल प्लावन होगा। आने वाले समय में डेंगू, चिकनगुनिया और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों का वापस आने की कोई ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, गारंटी नहीं है, आ सकती हैं। इसलिए हमको सारे नालों को साफ सफाई करवानी चाहिए। शहर में मोटरसाइकिल और स्कूटी चोरी की ये हालत हो गई है, जब देखो जहाँ से मर्जी 1 मिनट में किसी की आंख मुड़ी, गर्दन मुड़ी और गई। इसके अलावा पुलिस का काम सरकार ने दे रखा है, मैं पुलिस को भी दोष नहीं देता, ये राजस्थान की सरकार का दोष है। इन्होंने इसको चालान को रेवेन्यू कलेक्शन का जरिया बना लिया है। सड़कों पर खड़े होकर बेचारे धूप में ये पुलिस वाले, किसी आदमी का 1,000 का चालान, 2,000 का चालान, 3,000 का चालान, कोरोना ने वैसे ही लोगों की जेब फाड़ दी, पेट खा लिए, उसके बाद किसी गरीब मजदूर का, कर्मचारी का, कार्यकर्ता का, किसी साधारण एक आदमी का, व्यापारी का, या किसी भी छोटे नौकरशाह का, अगर चालान 1,000-2,000 का होता है तो ये समझ लीजिए उसके चूल्हे में पानी पड़ जाता है। ये चालान की प्रवृत्ति रोकी जानी चाहिए, समझाइश का काम होना चाहिए, और अगर चालान आवश्यक हो तो 50-100 रुपये के चालान करके उन लोगों को त्वरित गति से वहीं की वहीं चालान भुगता कर उनको उनके काम के लिए फ्री करना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापारियों पर 5-5, 7-7 डिपार्टमेंट एक साथ चल के जिस तरह से आज शहर में जा रहे हैं और जाके पैक सामान का सैंपल दुकानदार से खुलवा कर भर रहे हैं, उसका क्या दोष है? अगर किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी का रेडीमेड बिस्कुट खरीदा है, उसका ब्रांड है, उसने माल बिल से खरीदा है, उससे बिल ले लो, कंपनी में जाओ, कंपनी का सैंपल भरो, अगर कल वो सैंपल फेल होता है तो वो जो अपमानक है, सब स्टैंडर्ड है, वो उस कंपनी का है, उस दुकानदार का नहीं है, क्योंकि वो कोई इंजेक्शन से मिलावट थोड़ी कर रहा है। इन सब बातों के खिलाफ हमने पिछले 3 दिन से ज्ञापन देने का मन बना रखा था, आज शुक्रवार तय कर रखा था, कार्यकर्ताओं को सूचना दे रखी थी, उसी कड़ी में आज हम सब लोग यहाँ आए हैं। और ऊपर चूंकि सब कार्यकर्ता नहीं जा सकते थे COVID-19 के कारण जिला कलेक्टर साहब के कार्यालय में, तो श्रीमान रामचरण जी और दूसरे EDM साहब दोनों आके आपने यहाँ ज्ञापन को हम सब कार्यकर्ताओं के बीच में लिया है। मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो समस्याएँ हैं इनका त्वरित निवारण करें, वरना जनता तो देखो उद्वेलित हो ही रही है। जब राजनीति उद्वेलित होती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन के और राजनीति के बीच में टकराव की स्थितियाँ बनती हैं, वो हम चाहते नहीं। इसलिए मेरा कहना है कि इन समस्याओं का त्वरित गति से निदान हो और जनता को सुविधा और सहायता मिले। सीवेज के पानी की समस्या भी आ रही है, नलों में गंदा पानी भी आने की शिकायत है, लेकिन विभाग द्वारा कोई समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। देखिए, इसका मैंने निदान किया था, मैंने 1,000 किलोमीटर पानी की लाइन शहर में डाली थी, 1,000 किलोमीटर इस 5 किलोमीटर के शहर में 1,000 किलोमीटर पानी की लाइन डाली थी। लोगों को अपनी सर्विस लाइन जो घर की है उसका एक छोटा सा 3 फुट का 4 फुट का टुकड़ा लगता है, उसको बदलवाना चाहिए। 20-30-40 साल हो गए नाली में से पाइप आ रहा है, वो नाली में से लीक हो जाता है, किसी ने रबड़ के पाइप से जोड़ रखा है, रबड़ का पाइप गर्मी सर्दी में सिकुड़ और फैल जाता है, उससे लीक होता है। जब नाले भरे होते हैं, मैं कह ही रहा हूँ नाले भरे हुए हैं, ये उसी के कारण से हो रहा है। अगर नाले खाली हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है शहर में घरों में पानी गंदा सप्लाई होने की व्यवस्था उसी दिन समाप्त हो जाएगी, लोगों को साफ शुद्ध पानी मिलेगा। लेकिन जब तक नाले ठीक नहीं होंगे, पाइप ठीक नहीं होंगे, तब तक इसको विभाग को दोष देना इस मामले में बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मैंने 10 साल तक देखा है कि लोग अपने छोटे से पाइप को नहीं बदलवाते,
और उसकी भी जिम्मेदारी विभाग पर डालना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी न्याय संगत और तर्क संगत बात है। सर, शिवाजी पार्क कॉलोनी में पाइपलाइन बिछा दी गई, अमृत जल योजना के तहत कनेक्शन अब तक नहीं दिए गए। अब ये तो देखो, मैं 2.5 साल पहले तक विधायक था और मॉनिटरिंग करने के लिए मैं सुबह से लेकर रात तक विभाग को जिम्मेदारी पूर्वक कहता था और एक एक गली और एक एक मोहल्ले का मुझे ध्यान रहता था कहाँ क्या स्थिति है। अब वर्तमान में जिस तरह से वो काम को भी कंपनी ने छोड़ दिया है, शिथिलता की ओर छोड़ दिया है, उसके लिए कंपनी से भी बात करेंगे। प्रशासन को जो मैंने ज्ञापन दिया है उसमें पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने का है, उसके पीछे भी मेरा मकसद यही है कि उस कंपनियों की मॉनिटरिंग भी करें कि उन्होंने 175 करोड़ रुपये का एक ठेका था और 91 करोड़ रुपये मिशन अमृत का, ये 266 करोड़ रुपये के दोनों ठेकों से शहर की पानी व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए थी। अगर नहीं हुई तो राज बदलने का लाभ उन कंपनियों को नहीं मिले, इसको देखना प्रशासन का काम है और प्रशासन देखेगा।